सूरह बकरा में बाकायदा लिखा गया है, हमें बताया गया है कि ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, जब किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिख लिया करो, ताकि फरीकैन के दरमियान इंसाफ के साथ एक शख्स दस्तावेज तहरीर करे जिसे अल्लाह ताला ने लिखने पढ़ने की काबिलियत बख्शी हो। इसका बड़ा फ़ायदा होता है। आज जबकि मैंने बात करनी है कर्ज़ हसना के हवाले से, इसके देने के असूल और लेने के असूलों के हवाले से, तो हमें यह सीख लेना चाहिए कि अगर हमने कर्ज़ दिया है तो कर्ज़ देने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या लेवरेज, क्या सहूलत, क्या नरमी बरतनी चाहिए जिसको हमने कर्ज़ दिया है, और अगर खुदा न खास्ता कभी कर्ज़ हमें लेने की ज़रूरत पड़ गई है तो हमें कर्ज़ ले के हमारे पर क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है, अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात क्या हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरह से करके बताया है, तर्ज़ ज़िंदगी बताई है, और अहादीस की रोशनी में हमें क्या मिलता है, फिर हम पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है, इस पे बात करेंगे। मौजूद मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं समामा तारिक नात खां, इनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ मौजूद हैं जी बड़ी प्यारी शख्सियत हैं, फजीलतुल शेख नजीबुल्लाह तारिक साहब, हाफिज़ाहुल्लाह, प्रोफेसर भी हैं, इनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? करीब से आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। दिल इतना बड़ा हो जाता है जब आप जैसी खूबसूरत शख्सियत आती हैं जिनसे हम सीख सकें। सर जजाकल्लाह, आप डिज़र्व करते हैं। सर से जब भी मुलाकात होती है, हम इवन के ट्रांसमिशन में भी जब इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि सीख लिया है कुछ, कर लिया है कुछ। तो ऐसी शख्सियात के पास बैठना भी एक ऑनर से कम नहीं होता। थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ लाए। सर मामला कुछ यूं है कि हमने डिस्कस करना है कर्ज़ हसना के हवाले से, लेन देन के जो अहकामात हैं उनके हवाले से। आजकल महंगाई है, परेशानी है, हर शख्स जिसकी जमा पूंजी थोड़ी है, ज़राए आमदन थोड़े हैं, उसके अखराजात पूरे नहीं होते, जिम्मेदारियाँ अदा नहीं होती, ये तो डिज़र्व करता है, उसका हक बनता है कि अगर वो कर्ज कहीं से ले ले तो उसको दे दिया जाए। लेकिन आजकल हम ये भी देखते हैं कि ज़रूरत जिस चीज़ की है उसके अलावा भी कुछ ऐसे काम जिनके बगैर भी गुजारा हो सकता है, लोग कर्ज़ ले लेते हैं। इन दोनों सूरतों में मैं चाहूँगा कि आप हमें रहनुमाई दीजिए कि एक तो वो लोग जो डिज़र्व करते हैं, जो हकदार हैं, जिनको बनता है कि कर्ज़ दे दिया जाए, और एक वो जिनके लल्ले तलल्ले हैं, अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए, तो क्या उनको देना चाहिए? क्या ये तर्ज़ अमल ठीक है लेने और देने के हवाले से? कर्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन। बड़ा क्रिटिकल मौजू इख्तियार किया है और हालात के मुताबिक इसकी ज़रूरत भी है कि हम पाकिस्तान और या बाहर के जितने हमारे नाजरीन और सामीन हैं उनको इस मौजू के ऊपर मुख्तसर सा ब्रीफ कर दें ज़रूर जी। आपने एक बहुत मज़ेदार लफ्ज़ बोला है कि कुछ लोग तो अपनी ज़रूरतों के लिए और कुछ अपने अलल्ले तलल्लों के लिए जी। क्या अलल्ले तलल्लों से मुराद वही लोग तो नहीं हैं जो कर्ज़े अरबों के हिसाब से ले के बाद में माफ़ करवा लेते हैं जी? ये बात वहाँ तक फैल जाती है जी, चली जाती है वहाँ तक। बिल्कुल, आपने सही जगह के ऊपर, आपने पिन पॉइंट के ऊपर बात कर दी। देखिए जी, कर्ज़ देना ये इबादत है किसको, और मैं समझता हूँ कर्ज लेना भी सुन्नत से साबित है, कर्ज देना भी और लेना भी जी। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक बड़ी शानदार एक रवायत है कि जो आदमी, बल्कि वो रवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुछ आदमियों की मदद करना मैंने अपने ऊपर वाजिब करार दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुछ लोगों की मदद करना मैंने अपने ऊपर वाजिब करा, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। उनमें से एक वो है जो कर्ज लेता है और इस नीयत से लेता है कि मैंने वापस करना, वापस कर लिया, तो अल्लाह ताला कहता है अब मैं तेरे साथ हूँ, अब मैं तेरी इसमें मदद करूँगा। और जो आदमी कर्ज लेता है इसलिए कि लोगों का माल तलब कर दे, उसके लिए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
वहीद फरमाई है। तो कर्ज जो है ये एक ऐसी मदद है कि जिसका सवाब अजर आखरत में तो अल्लाह तबारक व तआला ने कितने अजर रखे हैं, दुनिया में भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और जो कहते हैं कि नेक नामी कमाना, ये शोहरत में दाखिल नहीं होता कि मैं मशहूर होना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लोगों में नेक नामी हो, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो दुआ है वजअली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, या अल्लाह बाद में जो लोग मेरे हैं मेरी अच्छी शोहरत होनी चाहिए, बुरी शोहरत नहीं होनी चाहिए जी। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें जी। पहली बात ये कि कर्ज देना बहादुरी है आजकल, और लेना दानाई। बड़ी मसलियत है सर, बड़ी मसलियत है। बल्कि मैं क्लास में पढ़ा रहा था, ये मैंने कई अपने दुरूस में भी ये फिक्रा बोला है कि वहाँ वादन ला दीन लिमन ला अहद लहू वला ईमान लिमन लिमन ला अमानत लहू, तो मैंने कहा कि वादे का तो उस मुल्क में कोई लिहाज ही नहीं है। तो मैंने वो फिक्रा बोल दिया, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। वफा हो गया। तो मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ रहा था कि कहता उस्ताद जी आपने ये फिक्रा पूरा नहीं पढ़ा। अच्छा। मैंने कहा बेटा मुझे तो इतना ही आता है, वो शेख लड़का था, शेख बरादरी का, कहता उस्ताद जी पूरा फिक्रा इस तरह नहीं है, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, वो कर्जा ही क्या जो अदा हो गया। अब देखें इजारे तफन्नुन तो ये बात हो गई जी, लेकिन हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है। अच्छा, अब देखें कर्ज नबी अलैहिस्सलाम ने दिया भी और लिया भी, लेकिन इसके साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम कर्ज से पनाह भी मांग रहे हैं, कर्ज से पनाह मांग रहे हैं। बल्कि वो माई साहब ने पूछा आप कर्ज से क्यों पनाह मांगते हैं, कहता है जब आदमी मकरूज हो जाता है तो वादे की खिलाफी भी करता है और झूठ भी बोलता है। अल्लाह, मैं इस बात को थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, हम करते तो यही है सर, हम अपनी तरफ उंगली रख के बात कर लेते हैं ताकि मुआशरे की इस्लाह हो सके। मैं कर्ज ले लेता हूँ और जिसका मैंने कर्ज देना है मैं उसका फ़ोन नहीं सुनता, उससे रबता नहीं करता, झूठे वादे करता रहता हूँ और फिर लिंगर ऑन होती रहती हैं चीज़ें, टैक्टिक्स वही कि किसी तरह से वक्त गुजरता जाए, या अगर कोई डेट दे दी है तो तारीख पे तारीख दे रहे हैं, एक तो वो केस वाली तारीख होती है कि जी मैं कल दे दूंगा, फ्लां डेट को दे दूंगा, वो डेट भी नहीं आती, ये रवैया कैसे? असल में ये दो आदमियों का रवैया नहीं है जी, इसके नतायज पूरे मुआशरे पे पड़ते हैं। हम दोनों अपनी मिसाल ले लेते हैं ना जी, मतलब मैंने आपसे कर्जा ले लिया, आपके पास पैसे वाफर हैं और आप लोगों को कर्जा दे देते हैं। नहीं सर, मैं इस मिसाल में भी आपको अमीर रखूंगा कि आपके पास पैसे वाफर हैं, मैं कर्ज ले लेता हूं। तो हो सकता है ये प्रोग्राम के बाद आप ले ना दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, तो ये मसला बन जाएगा ना। अच्छा, इज्जत का और एहतराम का तो लेवल यही है सर कि मैं आपसे कर्ज का प्लीज। अब मैंने आपसे कर्जा लिया, अब मैं टाइम पे दिया नहीं जी, अब नुकसान किसका हुआ, ना आपका ना मेरा, नुकसान उन लोगों का हुआ जो आपसे दोबारा कर्ज लेंगे, आप देंगे नहीं, जो डिजर्व करते हैं, जो हकदार हैं। नहीं देखे ना, आप कहेंगे यार मेरा तजर्बा ये है कि मैं जिसको भी कर्ज दिया उसने मुझे टाइम पे दिया ही नहीं, बल्कि टाइम पे क्या मिला ही नहीं, वापस ही नहीं मिला। बिल्कुल, तो ये दो आदमियों का मामला पूरे मुआशरे को और मुस्तहक जो हैं उनको भी खराब कर देगा, खराब कर देगा। और फिर इसमें जो आम तरीन बात यह है कि कर्जा मांगने जाएं वापस तो शर्म आती है कि अब उसने आपसे क्या जवाब दे देना, उसने आगे से क्या जवाब दे देना, उल्टा कहेगा मुझे और थोड़ा कर्ज दे दो, मुझे और कर्ज दे दो। और फिर देखते क्या है कि मेरे घर में वो फैसिलिटीज़ नहीं है, मेरे घर में वो सहूलतें नहीं है, मैं दाल सब्ज़ी खा रहा हूँ और वो मुर्गा खा रहा है घर में बैठा, कर्ज नहीं दे रहा। और बल्कि सुने नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में, मेरे हमारे एक दोस्त थे वो जब एक आदमी को बुरा भला कह रहे थे, मैंने कहा यार क्या कर रहे हो उस आदमी को बुरा भला क्यों कर, यार कहते मेरा कर्ज नहीं वापस कर रहा। मैंने कहा यार इस्लाम की तालीमात, तो उसने कहा आपने वो हदीस नहीं सुनी, और मैं मतलुल गनी जुल्म, एक आदमी के पास पैसे हैं फिर वो कर्जे में टाल मटोल करता है, आप उसकी बेइज्जती भी कर सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं। एक अमीर आदमी मतलुल गनी
अमीर आदमी का टाल मटोल करना ये उसकी इज्जत को भी पामाल कर देता है। अब देखें लोग कहेंगे यार क्या गरीब आदमी है तुम उसको दे रहे ये कर रहे हो, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये अमीर आदमी नहीं है, ये पता नहीं उसने कहाँ से पैसे लेके कर्ज दिए थे जी। बात को हम किसी से पैसे लेके कर्ज देते हैं, किसी की मोहब्बत में कर देते हैं, किसी को हेल्प करने के लिए कर देते हैं, तो फिर वो वापस नहीं करते। तो अल्लाह तबारक तआला ने जो आय तीसरे सपारे में जो अभी आयत पढ़ रहे थे इसका नाम तो आयत मुदाजना कहते हैं ना जी, इस आयत का नाम आयत मुदाजना। तो इसमें अल्लाह तबारक तआला ने कर्जे के सारे असूल बयान कर दिए हैं। और एक वजह पैगाम टीवी के वसातत से जी, हमारे कर्जों में बरकत या कर्जों के मामलात में जो बेतदालियाँ वो ये है हम लिखते नहीं हैं बिल्कुल। यार की गल है मैं दौड़ चला कितने यार मेरी बेहतवारी हो गई। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सगीरन और कबीरन छोटा या बड़ा लिख लो। बल्कि एक रवायत सुने जी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीन आदमियों के अल्लाह दुआ ही नहीं कबूल करता, उनमें से एक वो आदमी है जो कर्ज देता है लेकिन लिखता नहीं है, हालांकि वो कर्ज देने वाला है, देखें कर्ज देता है और लिखता नहीं है। अच्छा अब ये इसमें एक, अगर आप एक सवाल बनाएंगे जी तो मैं जवाब दूंगा कि क्या उसका मतलब है जी, कि एक आदमी इतना गुनाह कर लिया अब उसकी दुआ ही नहीं कबूल होती जी जी। अच्छा वो फिर मैं दे दूँ जवाब जी जी प्लीज दे दें। इस मामले में दुआ नहीं कबूल होती इसका मतलब ये नहीं होता कि अब एक आदमी ने किसी को कर्ज दिया लिखा नहीं अब उसकी सारी दुआएँ ख़त्म हो जाएंगी, नहीं। फिर वो अल्लाह से दुआ करता है लिखा नहीं, या अल्लाह वो मेरा कर्जा नहीं दे रहा, अल्लाह कहता तूने लिखा क्यों नहीं, ये तेरी दुआ। सबसे पहली बात तो ये तेरी दुआ जो है ना इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बाकी कोई दुआ भी नहीं, वो रब्बी जालिम मुकीम पढ़ रहा है या और कोई दुआ पढ़ रहा है, वो सारी दुआएं अल्लाह नहीं सुनेगा। तो हमारे शेख तेते अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे शेख यूनुस भट्ट साहब जी, तो हमने उनसे पूछा था कि ये इसका मतलब क्या है कि अल्लाह दुआ नहीं कबूल करता, तो कहते इस मामले में जो है पर्टिकुलर कंसर्न ठीक है। बड़ी खूबसूरत बात कि जब अल्लाह ने जो हुक्म दिया है हम वही पूरा नहीं कर रहे तो फिर अल्लाह ताला दुआ क्यों कबूल करेंगे। वो कहा गया जब मैंने कर्ज लेना है मेरे लहजे में बड़ी मिठास है, मैं बड़ी आजजी से इनकसारी से आपके पास आऊँगा और मैं कहूँगा कि जी मुझे ये ज़रूरत है, मैं अपनी वो ज़रूरत पूरी करूँगा, आप शफकत फरमाएंगे, मैं चला जाऊँगा, फिर एक मुकर्रा तारीख को हमारा जो बॉन्ड हुआ है हमने जो माहिदा किया है मैं वापस करूँगा, मैं आपका फ़ोन नहीं सुनूँगा, और फिर मेरे लहजे में वो एक सख्ती आ जाएगी कि यार दे देंगा की हो गया तो, यू नो वो इस तरह के मामला थे। कर्ज देते वक्त तो रवैया, लेते वक्त तो और है, और वापसी वक्त रवैया और है, क्या ये दुरुस्त है जी? ये दोहरा म्यार है जी, दोहरा म्यार, दोहरा म्यार है। और इस म्यार को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अगरचे किसी दूसरे अंदाज में बयान किया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुलमतफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन्नासि यस्तौफ़ून वइज़ा क़ालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून, कि जब वो किसी को नाप तोल करते हैं लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं, जब देते हैं तो कम करके देते हैं। असल में ये नाप तोल का जिक्र कर दिया, असल में यहाँ डबल म्यार जो है दोहरा म्यार उसकी बात हुई है कि दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। अच्छा इस मौके पर मैं थोड़ी सी ना एक वजाहत करना चाहता हूँ सर प्लीज, कि हमारे यहाँ कर्ज को दो किस्में बना देते हैं, कर्ज और कर्ज हसना, कि यार कर्ज हसना मुझे दे दो। देखिए कर्ज हसना जो होता है कुरान की इस्तलाह में वो सदका और खैरात को कहते हैं। अच्छा असल रूह इसकी ये है, जो असल कर्ज हसना है ना वो सदका और खैरात है। वो कहते हैं मन जल्लजी युकरिदुल्लाह कर्ज़न हसन फयुज़ाइफ़ लहू, अल्लाह पर उसको बढ़ाएगा जो कर्ज हसना, कर्ज हसना से मुराद सदका है। हमारे यहाँ वो कहते हैं कि जी कर्ज हसना जी मुझे दे दो, कर्ज हसना वो आम कर्ज है, कर्ज हसना तो वह जो वापस ना लिया जाए, सदका और खैरात को बोलते हैं। अच्छा अब आते हैं रवैये की तरफ, रवैये की तरफ। असल मसला ये है कि इस मुल्क में या मैं बाकी दो चार मुल्क देखें वहाँ तो नहीं, हमारी इस वक्त मजमूई माशरती या हमारी सोसाइटी का एक रवैया बन गया, वो दूसरे का माल हड़प करने को गुनाह ही समझते, वो कहते हैं मेरा हक है मेरा इस्तेहकाक है। हाँ ठीक है दीन इस्लाम में बहुत सारी आयात
बहुत सारी अहादीस हमें ये हुक्म देती हैं, तरगीब देती हैं, उभारती हैं कि जैसे वाइन काना जू उसरत नाजरत इलामैसरा, अगर तुमने किसी को कर्ज दिया है और वो वाकयतन तंग दस्त है, उसके पास है ही कुछ नहीं जी, अल्लाह ताला फरमाते हैं फन नाजीरत इला मैसर, उसको को ठीक है जब यार होगा तुम्हें दे देना, लेकिन वो अगर तंग दस्त है वन तसद्दकू, इस्लाम के अंदर सपेट जो है वो हमदर्दी, खैर खाई, गमगुसारी और भाईचारे की है। इस्लाम एक माशरे को ऐसा देता है। अच्छा, एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, कुरान पाक में जहाँ सूद की आयात आई है, सूद की आयात ये तीसरे सिपारे के पहले रुकू में सारी जी, वहीं ये कर्जे की आई है। सूद खार ज़हनियत और एक मुसलमान की ज़हनियत में बड़ा फ़र्क है, ये दो अलग अलग चीज़ें। जी जी, हालांकि कर्ज खार सूद खार भी मुसलमान तो रहता है, लेकिन जो सूद खार है उसके दिल से नरमी, शफकत, मोहब्बत, गमगुसारी, ये चीज़ें खुरच दिखी होती हैं, वो निकल जाती। अच्छा, मैं आपको एक वाक्य सुना दूँ। जी जी, प्लीज़ प्लीज़। मुझे फ़ोन आता है सियालकोट से कि हमारे जानने वालों में एक बच्ची ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन वो बच गई है अस्पताल में। मुझे बताया गया कि उसके कोई कर्ज का मामला है। मैं और मेरा बड़ा भाई हम कुछ पैसे ले कर ना चले गए वहाँ, तो पता ये चला जहाँ कि वो मैं बताने लगा हूँ, और आपके पैगाम टीवी की वसादत से अगर हुकूमत ये हमारा प्रोग्राम देखती है या उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है तो वो भी इसको गौर कर, क्योंकि है। अच्छा, है जी सर। अच्छा, जब मैं वहाँ गया तो उस बच्ची ने मुझे बताया कि वाकई मैंने इस पठान से, पठान औरत थी, 60,000 रुपया कर्ज लिया और 1 से 1 लाख रुपया, 60,000 वाले को मैं 3 लाख दे चुकी हूँ, 3 लाख सूद की मद में दे चुकी हूँ, और 1 लाख वाले को 3 लाख दे चुकी हूँ। मैंने इनको कहा कि अब मेरे पास नहीं है किस देने के लिए, तो मेरे घर के सामने आके बैठ गए, बच्चों को उठा लेंगे। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में ये सूद खार बैठे हैं, और आप ये मानेंगे कि 10,000 कर्ज दे के 1,000 रुपया महाना लेते हैं। अल्लाह, ये वाकयतन मौजूद है। और फिर क्या किया, एक मैं और बात बताता हूँ जी, कि शहर में जगह जगह बड़े खूबसूरत फ्रिज रख दिए गए हैं टीवी दुकानों ने, वो गरीबों का दिल ललचाता है, ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़ ये चीज़, बाइक्स रख दिए हैं, सेट रख दिए हैं बर्तनों के, घर की जीनत की चीज़ें रख दी हैं, कहते ले जाए पैसे हम दे देंगे, और वो इंतहाई जालिम लोग होते हैं। इंसान तो आपको पता है कि लालची है, इंसान की फितरत में लालच डाला हुआ है। वह ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन्निसाई वल्बनीन वल्क़नातिरि अल-मुक़न्तरा, ये इंसान की दिल में डाल दी गया। वो बच्चों की ख्वाहिश पे फ्रिज ले आते हैं, वो फ्रिज बर्फ नहीं इनको देता, इनको जला रहा होता है, अगले हफ्ते महीने बाद आ जाते हैं, इतने पैसे दो वरना फ्रिज उठा के ले जाए। वो सारा सूद पे चल रहा है मामला, सारा कुछ सूद पे चल। अच्छा सर, जैसे आप फरमा रहे हैं, एक तो ये वाकया हमारे लिए बड़ा सबक आमोज है कि एक बच्ची जिसने अपनी जान की बाजी तक लगा दी कि मैं तंग आ गई, बच्चों की फीसों के लिए लिया, बच्चों की फीस के लिए। अब आप देखिए कि 30,000, 60,000 या 1 लाख और उनपे 3-3 लाख रुपया सूद दे चुके हैं और असल रकम वहां पर मौजूद है। सोसाइटी की एक शक्ल ये भी है सर, अक्सर औकात ये भी देखने में आता है जिसने कर्ज दिया होता है, वो जिसने कर्ज जिसने ले लिया होता है, एक मकरूज है और एक कर्ज खा है। अब जिसने दिया है वो बड़ी सख्ती से पेश आता है, जुबान बड़ी बद हो जाती है, ऑल दो के बहुत सारे सरकमस्टांसिस होते हैं, हालात उसको वहाँ तक ले आते हैं, लेकिन कुछ लोग नेचर के भी ऐसे होते हैं। दूसरी तरफ जिसने कर्ज लिया होता है वो जिसका मकरूज होता है उसके बारे में भी बुराइयाँ कर रहा होता है, उसके बारे में गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा होता है, दोनों तरफ से ये रवैये कैसे? देखिए, जो कर्ज जिसने कर्ज दिया है जी, अब वो किसी से वापस लेने जाता है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस आदमी के लिए कहा रहमल्लाहु इमरान समहन इज़ा बा
وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى, अल्लाह ताला उस आदमी के ऊपर अपनी रहमतें बरसाए जो बड़ा नरम हो, नरम मामले करता है और दूसरों के साथ हमदर्दी वाला मामला करता है। जब वो कोई चीज़ बेचता है तब भी वो नरम करता है कि चलो कोई बात नहीं, ले जाओ वापस कर लूँगा। खरीदता है वही जगत, जब अपना कर्ज मांगता है तो बड़े ही आराम से, बड़े प्यार से कर्ज मांगता है। अल्लाह के नबी ने उस आदमी के लिए दुआएँ की हैं, रहमल्लाह, अल्लाह उस आदमी पर रहम फरमाए। अच्छा, अब होता यह है कि ये रवैये ना मुख्तलिफ, बाद लोग ऐसे हैं कि बल्कि कुरान पाक में इसका पूरा एक वाक्या बयान किया जी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आप उनको हज़ारों डॉलर या कई टन सोना भी दे दें उधार, वो आपको एन टाइम पे आप पर वापस कर देगा। और कुछ ऐसे लोग हैं, अगर आप उनको एक दिनार भी देंगे उस वक़्त तक वापस नहीं करेंगे जब तक आप डंडा लेकर उनके सर के ऊपर नहीं खड़े हो जाते, उनके साथ सख्ती नहीं करेंगे। ये दोनों रवैये कुरान पाक ने बयान किए इनके। अच्छा, बयान तो किए अहले किताब के, लेकिन मुझे तो अपने ऊपर भी फिट होते नज़र आ रहे हैं कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि उनको कर्ज दे दें तो आदमी कहता है पता है कि इस तारीख को हर सूरत में वापस करना ही करना है। लेकिन एक बात कहूँ जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक आदमी देखा है, मेरी उम्र 70 के करीब होने वाली है माशाल्लाह, एक आदमी मैंने देखा जिसको मैंने जब कर्ज दिया वो या तो उस तारीख को वापस करके गया या उस तारीख को आ गया मेरे घर में कि भाई साहब आज तारीख थी, मैं आपसे मोहलत मांगने के लिए आया हूँ जी, अगर आप मुझे मोहलत नहीं देंगे मैं फिर भी किसी ना किसी जगह से पकड़ के आपको दे दूँगा। लेकिन दो ऑप्शन है, मैं किससे पकड़ के दूँगा, अगर आपके पास गुंजाइश है तो मुझे मोहलत दे दें। मैंने अपनी ज़िंदगी में और कोई नहीं देखा मदरसे के पढ़ने पढ़ाने वालों को, या मस्जिद के जो कारी हैं, या मस्जिद का मुतवल्ली है, या मस्जिद का खतीब है, अगर मैं मस्जिद का खतीब हूँ, मैंने अपने मोहल्ले से चार आदमियों से 50-50 हज़ार रुपया कर्ज लिया है और मैं कहा एक महीने बाद वापस कर लूँगा, अगर मैंने वापस नहीं किया बताएं मेरे जुमे का क्या फ़ायदा होगा, मेरी तकरीर का क्या फ़ायदा होगा? अगर मैं बामल खुद नहीं हूँ तो फिर मैं उसके बारे में क्या कहूँगा? फिर वो फिर उनके साथ ऐसे ही रवैये चलते हैं। ठीक 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 है। अच्छा सर, देखा गया है कि मकरूज बहुत बार झूठ भी बोलता है, उसकी रीज़न हमें नज़र आती है जैसा अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं, और जवाब ये होता है कि मैं मजबूर हूँ। क्या ऐसी मजबूरी में झूठ बोला जा सकता है? क्योंकि ठीक है, जेन्युइन रीजंस हो सकती हैं, वाकई उस तरह से अर्निंग ना हो रही हो या पेमेंट ना आ रही हो या आपको कहीं से अरेंजमेंट ना हो रही हो, वक्त गुजरता जा रहा हो और जिसने अपना कर्ज लेना है वो बार बार तकाजा कर रहा हो और कर्ज देने वाला झूठ का सहारा ले रहा हो, ऐसी सूरत में झूठ जायज़ है? नहीं, अब वो हम वो हज़रत इब्राहिम वाली अहदीस से तो इस्तदलाल नहीं करेंगे ना इस वक्त, लेकिन एक बात है जी, झूठ कब बोलना पड़ता है? मिसाल के तौर पे देखें, अब दोबारा हम आपस में एक दोबारा कर्ज़े का मामला कर लेते हैं। मैं कर्ज लेने वाला ही हूँ इस सूरत में। अच्छा चले, मिसाल के तौर पे मैंने आपको कर्ज दिया, अगर आप कर्ज से एक जिस दो तारीख आई है उससे एक दिन पहले मेरे पास आ जाएंगे जी, तो मेरे ख्याल में अगर मैं इंसान हूँ और खुशहाल हूँ मैं आपको मजबूर नहीं फिर करूँगा, मैं कहूँगा इस आदमी को एहसास है, आया है मेरे पास, मेरे पास एक दिन पहले आ गया जी, मैं फिर आपसे उस तरीके से तकाजा नहीं करूँगा, वो सख्ती नहीं आएगी लहजे में, बिल्कुल नहीं, आप आगे मेरे पास जी। और सर आजकल तो मीडियम भी ये आ गया ना कि आप फोन पे बात कर लेते हैं जी, मेरी गुजारिश सुन लें आप, मेरे साथ ये मामला है, अगर चल के नहीं भी आए तो ये सूरत भी हो सकती है। करते भी नहीं, फोन तो आपने बता दिए बंद कर देते जी, फोन तो जी बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं जी। अब आप गौर करें कि फोन, बल्कि फोन ये जो मोबाइल है जी, इसका नाम ना अरबी में मिकजाब रखना चाहिए,
साहब इसमें अल्लाह है, झूठ अच्छा। बोलने का अल्लाह जी, ये जो है ना ये मिकजाब है, जितना झूठ इस पर बोला जाता है ना, हम देख रहे हैं घंटी बज रही है, ओ यार साइलेंट से पता नहीं लगा, साइलेंट से पता ना, जबकि साइलेंट पे भी पता चल रहा होता है, अच्छा देख रहे होते हैं। लेकिन देखें आप अपने माशरे को देख रहे हैं ना जी, जी मुल्क के सियासी हालात को देख रहे हैं ना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया लानतुल्लाही अलल काज़िबीन। ओह कितना बड़ा जुमला। अब अगर एक आदमी झूठ बोलता है उस पर लानत है, अगर पूरी कौम पूरी मिल्लत पूरा मुल्क झूठ बोले तो जिस मुल्क पर अल्लाह की लानत हो क्या वहाँ अमन हो सकता है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की, इसको मजीद आगे लेके चलेंगे। हमें एक मौजूद मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपकी कथा कलामी की माजरत चाहूँगा, डांटेंगे तो नहीं? नहीं। अच्छा चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं जी तलहा मुश्ताक, एडवोकेट हाई कोर्ट है, इनको हम अपने शो में वेलकम करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम निजामी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह तलहा मुश्ताक साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। और अब हमारी गुफ्तगू थोड़ी देर से सुन रहे होंगे क्योंकि आप होल्ड पे थे, मैं चाह रहा था कोई ऐसा नुक्ता मुझे मिल जाए कि मैं सर को बड़ी आजी से रोक सकूं, वरना ऐसी शख्सियत पास होती हैं तो फिर थोड़ा डर भी लगता है, आपको पता है। अच्छा तला साहब, ये फरमाइएगा, हमारा टॉपिक है कर्ज देने के हवाले से, तो मैं चाहूँगा इसके लीगल एस्पेक्ट भी हमें पता चल जाएं, जो कर्ज़ हसना देने के कानूनी जाबते हैं वो क्या हैं? जी बिल्कुल, देखें निजामी साहब, इसमें एज फार एज कर्ज हसना इज कंसर्न, तो हम अगर पाकिस्तान के लीगल फ्रेमवर्क को देखें तो अभी तक कोई हमने प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क सेट नहीं किया कर्ज हसना के लिए, और हमें उस पर रिलाई करना पड़ता है कोर्ट की जजमेंट्स के ऊपर कि जो हमारे अदालत ने कवानीन कुछ सेट किए हैं एज फार एज कर्ज हसना इज कंसर्न। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अगर आप किसी को कोई लोन इस नियत से देते हैं, आपकी इंटेंशन ये होती है कि आप एज अ कर्ज हंसना दे रहे हैं, और अगर हम शरई तौर पर भी देखें, जो कि मेरे से पहले बड़ी डिटेल गुफ्तगु हो चुकी है इस बारे में कि अगर आप इस नियत से दे रहे हैं कि ये कर्ज हंसना है, तो फिर आप उसको रिकवर नहीं कर सकते अगर अगला बंदा इतनी उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतनी इस्तात नहीं रखता, तो आप सूट फॉर रिकवरी भी फाइल करें तो आपको कोर्ट उसमें डिक्री आपकी फेवर में पास नहीं करेगी। इसके लिए हमारे पास कुछ जजमेंट्स हैं, स्पेसिफिकली PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 225 डॉक्टर मोहम्मद असलम खाकी की जजमेंट है, इसके साथ ये शरीयत एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन है जी सुप्रीम कोर्ट की जी। इसके साथ साथ 2002 CLC 1779 ये वो जजमेंट्स हैं जो जिसमें ये बता दिया गया है कि अगर आपने इस इंटेंशन के साथ पैसे दिए कि वो कर्ज हसना है तो वो रिकवरेबल अमाउंट नहीं है। हाँ अगर दोनों पार्टीज मुश्तरका तौर पे कर्ज हसना देती हैं लेकिन उसको रिटन फॉर्म में ले आती हैं और उधर ये मेंशन नहीं करती कि कर्ज हसना है तो उसको रिकवर किया जा सकता है। उसकी भी मिसालें हमारे पास डिफरेंट जजमेंट्स में मौजूद हैं जहाँ पे कोर्ट ने इंटरवीन किया, हमारी लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जजमेंट्स हैं, कराची सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें वो बताते हैं कि अगर आपने ट्रांजेक्शन बनाई हुई है, लिखत पढ़त की हुई है, बेशक आपने वर्बली एक दूसरे को कहा भी हो के कर्ज हसना है, लेकिन उसको कोर्ट ऐसे ही डील करेगी जैसे आपने किसी को लोन दिया हो। ठीक है। अच्छा तला साहब, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, अभी प्रोफेसर साहब भी यही बात कर रहे थे, हमें दो चीज़ें यहाँ पे बड़ी वाजे करके रखनी है, एक कर्ज हसना है और एक कर्ज है। कर्ज हसना वो है जिसकी वापसी नहीं है, जो आपका सदका खैरात है जिसके बारे में अभी हम जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कर्ज की बात करते हैं जिसके आगे हसना नहीं लिखा हुआ, तो क्या सादा पेपर पर लिखा हुआ कर्ज का मादा कानूनी तौर पर कबूल होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल। अच्छा इसमें अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का जो कानूनी निज़ाम है ये ब्लेंड है दो चीज़ों का जी, एक तो कॉमनवेल्थ लॉज और उसके साथ साथ शरिया लॉज को अगर हम एक बहुत खूबसूरत ब्लेंड मिक्सचर बना के पाकिस्तान में हम इसको लेके चलते हैं जी, तो एक चीज को समझिएगा दोनों चीजों को लेते हुए कि अगर एक वर्बल एग्रीमेंट भी, आप तो सादा कागज की बात कर जी, अगर एक वर्बल एग्रीमेंट भी हुआ है और ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है जो कि कल को कोर्ट में साबित हो सके तो वो बिल्कुल जायज है, वो इन्फोर्सेबल भी है, वो कोर्ट के थ्रू आप रिकवर भी करवा सकते।
ठीक है। अच्छा सर, कर्ज की वापसी में जो टाल मटोल की सूरत है, मैंने ले लिया आपसे पैसा और मैंने कहा मैं फलां डेट को दूंगा, वो डेट पे डेट गुजरती जा रही है, वादे पे वादा होता जा रहा है, खिलाफ वर्जी होती जा रही है, इस मामले में जो कानूनी चाराजोई है उसका क्या तरीका है? इसमें जो जो हमारा प्रॉपर कानूनी वे है वो हमें हमारी सीपीसी बता देती है, और जब हम अपने सिविल कोड को देखते हैं तो उसमें हमारे पास सूट फॉर रिकवरी की ऑप्शन मौजूद है, जो कि हम सिविल अदालत में एक दावा फाइल करेंगे जी, और उस दावे में बताएंगे कि ये ट्रांजैक्शन थी, इतने पैसों की बात हुई थी, इतना कर्ज था, इस टाइम पर देना था, इतने गवाह मौजूद थे, उन सब की गवाहियां होंगी, आप अपना एविडेंस करवाएंगे और फिर अदालत उसको डिक्री पास करेगी। तो ये एक तो ऑप्शन ये है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, किसी को कर्ज दिया हो तो उसके ऊपर बजाय दावा करने के क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करवा देते हैं, जो कि बिल्कुल गैर इखलाकी है। अच्छा, वो अमानत में खयानत का पर्चा कटवा देते हैं उसके ऊपर। अब वो बड़ा मुश्किल पर्चा है, अगर आपके ऊपर हो जाए तो बहुत आप जेल भी जा सकते हैं। तो ये हमारे जुडिशियल सिस्टम की एक बदकिस्मती भी है, और वो बदकिस्मती हमने ही बनाई हुई है, हम जैसे लोगों ने ही बनाई हुई है। ठीक है। अच्छा बताइए कि जो कर्ज की कानूनी दस्तावेजात है जिसका अभी हम जिक्र करें, कि रिटन में रख लें, कोई लीगल पेपर पे लिख लें या सादा कागज पर रख लें, उसको महफूज रख लें, और उसकी तस्दीक के बारे में कि इसके अमल के दौरान एहतियाती तदाबीर क्या अख्तियार करनी चाहिए, क्या वो पेपर आपके पास मौजूद रहे, या उसकी कोई डेट की वैलिडिटी होनी चाहिए, या लिखना ही वो लीगल डॉक्यूमेंट पे चाहिए जैसे स्टैम्प पेपर वगैरह है? इसमें निजामी साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, आप जब भी कभी कोई सिविल दावा करते हैं और जो दस्तावेजात आप साथ अटैच करते हैं, आप समझ लें ये सारी वही दस्तावेजात इधर भी एविडेंस में बिल्कुल उसी तरीके से आपने पेश करनी है जी। अगर आपने सादा कागज पे आपका अग्रीमेंट हुआ है तो आप उस सादा कागज को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें साथ, क्योंकि सादा कागज को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटैच नहीं होती, तो साथ आप अपने गवाह पेश करेंगे जी। जब सादा कागज पे ये तस्वीर लिखी जा रही थी तो ये लोग मौजूद थे वहां पर जिन्होंने इसको जो उसके गवाह होंगे जी, और उसके साथ साथ अगर कोई बैंक ट्रांजैक्शन है, कोई चेक है, कोई नकद पैसे लिए गए हैं, उसकी कोई वीडियो बनी है, वो सारे का सारा प्रोसीजर हमारे कानून में दिया गया है कि आप वो सारा का सारी चीजें अपनी एविडेंस में ला सकते हैं, उसको शहादत में ला सकते हैं, और जब आप उसको एविडेंस में लाएंगे कोर्ट में तो डेफिनेटली उसकी वो एक वैल्यू बन जाएगी और आपके फेवर में केस जाएगा जी। अच्छा तला मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर नजीबुल्ला तारिक साहब ये भी आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, सर आप पूछ सकते हैं। जी एडवोकेट साहब, ये मसला जब अदालत में चला जाता है ना कर्जे का जी, तो जिसने कर्जा देना होता है वो कहता है ठीक है जी मैं किस्त कर लें, हर महीना मैं 200 रुपया दूंगा जी, तो फिर वो सारा कर्जा देता है और हमारा जाया हो जाता है। ठीक है जी, वो कहता है मैं राजी हूँ, मैं कर्जा दूंगा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं थोड़ा कर वो सारी रकम भी बर्बाद हो जाती है। इसी तरह नहीं होता अदालतों में आजकल? अच्छा, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ जी, और हम मेजॉरिटी केसेस में देखते हैं कि ऐसे ही होता है, अदालत जो है वो किस्तें बना देती है, और जब किस्तों में आपको पैसे आए, अगर आपने 5 लाख दिए आपको महीने का 5,000 आ रहा है, तो वो फिर समझ से बाहर होता है, लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ आपको वापस हासिल हो रहा होता है। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि इस पे बैठना चाहिए और इस कानून को बेहतर बनाना चाहिए जी। अच्छा यही इसी क्वेश्चन को मजीद भी आगे कर लेते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। एक तो एक रकम ख़त्म हो गई, थोड़े थोड़े करके दिए, वो मामला ख़त्म हो गया। दूसरा, लोग ख़ुद भी चाहते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये मामला ख़राब हो गए हैं, मैं कर्ज़ दे नहीं पा रहा, तो चले थाना कचहरी कर लेते हैं, हमारे लिए सहूलत है, कर्ज लेने वाले के लिए सहूलत है। और मैंने ऐसी 200 मिसालें देखी कि बहुत बड़ी बड़ी रकम ली गई हैं कर्ज़ की, और अगर वो बंदा कर्ज वापस नहीं कर रहा या इंटेंशनली नहीं किया, वो जेल चला गया, सजा काट के आ गया, उसने कहा जी अब तो मैंने सजा काट ली, पैसे किस चीज के देने, ये भी रवैये हैं। निजामी साहब ये जो प्रॉब्लम है, ये एज अ मुआशरा हमें शर्मिंदा होना चाहिए इस चीज पे, कि सिर्फ इस मामले में नहीं, आप किसी किस्म का कोई भी मामला उठा लें, स्पेशली आप अगर आप क्रिमिनल केसेस को भी देख लें जी, जी। तो आज 20,000 रुपया दे के आप किसी को भी कत्ल करवा सकते हैं, इस नहज पे हमारा मुआशरा पहुंच चुका है। तो ये तो बतौर कौम हमें इस चीज पे डेफिनेटली, जिस तरह आज आपके इस शो के थ्रू लोगों तक अवेयरनेस जा रही है, तो मेरे ख्याल से कलेक्टिव
काम इस पे होना चाहिए, लोगों में शऊर इस चीज का जरूर देना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर आज ही हम किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने ये तो तय फरमा दिया कि वो कल को हमारे साथ भी हो सकती है, हो सकती अगर है। नहीं होगी तो ऊपर हिसाब होगा। डेफिनेटली सबसे बड़ी अदालत तो वो है ना फिर, और जब वहाँ पे हिसाब होगा फिर तो बहुत कड़ा हिसाब होगा। थैंक यू वेरी मच तला मुश्ताक, एडवोकेट हाई कोर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। प्लेयर हैविंग यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का तला साहब। थैंक यू निजामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका करने का। थैंक यू वेरी मच, थैक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने लीगल एस्पेक्ट के हवाले से हमें बताया। एडवोकेट साहब ने भी ये कहा कि अगर कर्जा हंसना हो तो उसकी टर्म्स ये इस्तेमाल होंगी, उसका रिटर्न में ये प्रूफ होगा, और अगर खाली कर्ज है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके एविडेंसेस क्या होने चाहिए, और वो किस तरह से हेल्प आउट करते हैं जिसने अपना कर्ज वापस लेना है, या कर्ज जिसने देना है उसको भी क्या हेल्प आउट कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नजीबुल्ला तारिक साहब। अच्छा सर, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू थी जिसमें आपने वो बात की ना कि दुआ क्यों नहीं कबूल होगी या ये वाली दुआ कबूल नहीं होगी, तो ये आज का बड़ा खूबसूरत एक हमें सीखने को सबक इसमें मिला। सर ये फरमाएगा कि बाज़ औक़ात कर्ज देकर मकरूज़ को या उसकी फैमिली को गिरवी रख लिया जाता है, उनको बांध दिया जाता है। हमारा भट्टा खश्त, हमारी इस तरह की लेबर सोसाइटी, हमारे रूरल एरियाज, वहाँ पे बहुत होता है कि फैमिली को रख लिया जाता है कि भाई अब तुम मेहनत मजदूरी करोगे, तुम्हें सैलरी कोई नहीं मिलेगी, इवन के बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, जवान सब शामिल होते हैं, वो रकम उन्होंने उतारनी है, या फिर उनको कोई पेनल्टी डाल दी जाती है कि भाई कर्ज तो तुमने उतारना ही उतारना है, ये मजीद उसके ऊपर तुमने ये भी करना है, ये रवैया क्या है? ये रवैया दर्दनाक भी है और मैं एक लफ्ज़ और भी बोलूँगा, शर्मनाक भी है। जी शर्मनाक तो मैं इसलिए बयान कर देता हूँ कि जो बहुत बड़े बड़े सेठ, जागीरदार, वडेरे, वो जानबूझ के अपने मुजारों में से किसी मुजारे को इतना कर्ज दे देते हैं, उनको पता होता है ये वापस नहीं कर सकता, फिर वो चूँकि वडेरे हैं वो कहेंगे ठीक है कर्ज माफ़ कर देता हूँ, अपनी बेटी शादी मेरे साथ करवा दो। वो 50-60 साल का है, वो लड़की उसकी 17 साल की खूबसूरत है, तो कर्ज दे के कहते मैं कर्ज माफ कर दूंगा, ये शादी कर दूँ। एक सोच ये भी है, शर्मनाक, मैंने शर्मनाक। दर्दनाक ये है कि इसमें दो सूरतें, कुछ लोग हैं वो उनकी नज़र आखरत पर होती है, आखरत पे होती है, वो अगर कोई गरीब आदमी उनका कर्ज नहीं देता। अच्छा मैं पहले इस बात को यहाँ रोक देता हूँ, मैं पहले आपको एक हदीस सुनाता हूँ सही बुखारी की। नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ वाक़यात पुरानी उम्मतों के भी बयान किए, और नबी अलैहिस्सलाम जो पुरानी उम्मतों के वाक़यात बयान करते हैं ना, हमारे उलमा कहते हैं वो हदीस का दर्जा रखते हैं कि वो बिल्कुल पक्के हैं अगर वो सही सनद से आ जाए। कहते पुराने वक्तों में एक आदमी था जो लोगों को कर्ज देता था जी, और कर्ज देता था, लेकिन क्या करता था कि जो अमीर आदमी कर्ज लेट करता था उसको मोहलत दे देता था, अमीर आदमी को क्या करता था मोहलत टाइम दे दिया, और गरीब आदमी को माफ कर देता। सख्ती, अच्छा नहीं उसको माफ कर देता, गरीब आदमी को माफ कर देता और अमीर आदमी को मोहलत दे देता। अच्छा यही तो बताने लगा। अच्छा वो कहते हैं कि तमसील है ना, वो अल्लाह के पास जब जाता है बंदा, अल्लाह कहता है तेरे नामा माल में कोई नेकी है, मोमन को तो मोमन था, उन्होंने कहा कोई नहीं आई है, यही अल्लाह ने कहा कि अगर तू दुनिया में गरीबों का कर्ज माफ़ करता था तो मैं अल्लाह हूँ, मैं तेरे गुनाह माफ़ कर देता हूँ। अल्लाह ने फरिश्तों का कि इसको जन्नत में भेज दो। अच्छा ये उस वक्त है कि जब अल्लाह के साथ ताल्लुक हो। अच्छा दूसरी सूरत ये होती है कि एक आदमी है वो कर्ज तो उसने दिया है, वो खुद बेचारा तंग दस्त हो गया है, उसके अपने पैसे ज़रूरत थी, उसने अपनी बच्ची की शादी के लिए रखे थे, उसने अपने बच्चे को बाहर भेजना था किसी काम के लिए रखे थे या किसी इलाज के लिए रखे थे। अब उसने हमदर्दी कर दी, हमदर्दी कर दी, अब वो उससे जब लेने जाता है तो देता नहीं, यानी वो हमदर्दी गले पड़ गई उसके। अच्छा
इस आदमी के लिए इजाज़त है कि ये कोर्ट में भी जाए, उसकी पामाल भी करे, उसके सब कुछ करे, क्योंकि मजबूर है वो जी। अच्छा एक मजाक की बात बताता हूँ, ये कर्ज़े हंसना है ना, कर्ज़े हंसना हमारे वालिद साहब कहते थे ये कर्ज़े हंसना इस्लामी टर्म है, इस्लाम की टर्म है जी, कहते लेकिन हमारे माशरे में ये कर्ज़े हंसना नहीं है, ये कर्ज़े हंसना है, जब मांगने आए हंस के दिखा दो। अच्छा जब मांगने के लिए आए तब हंस के दिखा दो कि नहीं है, तो ये कर्ज़े हंसना नहीं है, ये कर्ज़े हंसना है, हंसना कि जब मांगो हंस के दिखा दो कि नहीं है। अब आप अल्लाह के बंदो, एक आदमी अपनी ज़रूरत काट के तुम्हारी ज़रूरत पूरी कर रहा है, तुम्हारे जैसा बेहस भी कोई है दुनिया में कि तुम उसको कर्ज वापस नहीं कर रहे। एक वाक्या बयान हुआ बड़ा मज़ेदार वाक्या, कहते कि एक आदमी सफ़र में था, उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई। वो सफ़र में एक आदमी को कहता है कि यार मुझे पैसे दे दो, वो तो कहता मैं तुझे जानता ही नहीं, कोई गवाह लाओ, कोई शाहिद लाओ, कोई जामन लाओ, ना कोई शाहिद ना कोई। वो कहता है अल्लाह वकील, अरबी में आजकल यही कहते हैं अल्लाह वकील, अल्लाह वकील। तो उसने अल्लाह वकील करके उसको कहा कि ले लो पैसे, मैं फलां तारीख को तुम्हें दे दूंगा। अच्छा वो आदमी दरिया के पार रहता था, जब वो तारीख आ गई वापसी की तो उसने कहा तो मैंने तो वो पैसे पकड़े, उस तारीख को देने के लिए चला गया। जब देने के लिए गया तो उस दिन दरिया में तलातम था और कश्ती कोई नहीं थी। वो बड़ा परेशान कि मैंने तो अल्लाह वकील बनाया हुआ, मैंने तो अल्लाह को गवाह बनाया हुआ, अब क्या करूं जी। अब उसने क्या किया, एक बक्सा लिया लकड़ी का, उसके अंदर पैसे रखे और लेटर लिख के डाल दिया कि मैंने अल्लाह को वकील बनाया था, अब मैं ये अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूँ, अब अल्लाह इसको पहुँचा दे उस आदमी तक, मैंने पहुँचा देने, ये रुका लिख के तो घर आ गया, दरिया के सुपुर्द कर दिया वो डब्बा। तो जो अल्लाह के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कौन था, उनको भी तो डब्बे में डाल दिया गया था ना, जी, जी। तो कौन था, ये ऐसे वाकया तो हो जाते हैं। अब वो आदमी साहिल पे खड़ा था कि आज मेरा कर्ज वापस करने वाले आना, आज मुझे कर्ज वापस करना आज मुझे, तो वो देखता है कि जितना हमारी गाड़ियाँ होती हैं कोई सारी गाड़ी चले गई, वो कश्ती आई कोई नहीं। तो अचानक उसको ना दरिया में ना एक बहता हुआ डब्बा नज़र आता है, वो उसको उठा लेता है, घर में आकर तोड़ता है तो ये मिला, वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। फिर वो आदमी उसको बाद में मिलता है, पैसे लेके जाता है दोबारा, कहता है तेरे पैसे तो मुझे मिल गए। अब देखें अगर कर्ज अदा करने की नीयत हो, ये हदीस पुकार पुकार के बयान कर रही है, ये वाक्या पुकार पुकार के बयान कर रहा है, अल्लाह लाजमन उसकी मदद करेगा, ये कोई मुमकिन ही नहीं है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की कोई बात गलत नहीं हो सकती, यकीनन। अगर एक आदमी की नीयत है जी कि मैंने ये कर्ज अदा करना है तो वो लाजमी अदा कर देगा। अच्छा सर ये तो बड़ी खूबसूरत आपने बात की, इसमें स्पिरिट है, इंस्पिरेशन है, सीखने को है कि अगर आपकी नीयत है वापस करने की तो किसी भी सूरत में आप वापस करेंगे, हालात कुछ भी हो जाएं, तंगी आ जाए, आप उस वक्त ना अदा कर सकें, लेकिन अगर आपकी नीयत हो एक वक्त आता है वो काम ज़रूर मुकम्मल। अच्छा मैं आपको एक मज़ेदार सा वाक़या सुना, जी जी जी। मैं दुबई रहता था 10 साल, मैं दुबई रहा हूँ रसल खान जी, इसका इसके साथ भी ताल्लुक है। अच्छा इस वाक़े का, अच्छा वहाँ एक आदमी ने मुझसे कर्ज लिया, जिस आदमी को मैं बैठता हूँ वो पैसे देता है जी, उसने मुझसे कर्ज लिया 8,000 रियाल। वो कहता उस्ताद जी वापसी की कोई शक्ल नहीं, मैं पाकिस्तान आ गया, मैं पाकिस्तान आ गया। आपने छोड़ दी वो रकम के, ठीक है उसके पास नहीं बातचीत होती। अच्छा मेरी बीवी को याद थे 8,000, मुझे भूल गए थे, कुछ अरसा मैं तकाजा करता रहा, कहता है उस्ताद जी आई नहीं। सर मैंने कहा ना आप अमीर आदमी हैं माशाल्लाह, आपसे कर्ज लिया जा सकता है, आप तो देंगे भूल जाते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा हुआ क्या, दिसंबर में मैंने इसकी शादी करनी थी, तो मैंने एक आदमी को कहा कि मुझे ना पैसे दो 5 लाख से 6 लाख रुपया। वो कहता है अच्छा करते हो, शादी में कर्ज की जरूरत पड़ती है। अब 30 साल के बाद उस आदमी का मुझे फ़ोन आता है, खुद ब खुद फोन आ गया, कहते उस्ताद जी अपना अकाउंट भेजे। अच्छा और मौका भी शादी का है घर में। लें जी शादी से पहले उसने मुझे 5 लाख भेजा 30 साल के बाद।
उस मुझे पता था उसकी नीयत देने की है, उसके पास है ही नहीं, लेकिन थे ही नहीं उसके पास। लेकिन जब उसके पास हुए, और मैं ये कहता हूँ कि मेरे इस वाक्य ने मेरी ज़िंदगी में बहुत इनकलाब पैदा किया। अच्छा हुआ क्या, शादी से, इसकी शादी से 2 महीने पहले हमारी अलमारी से 1 लाख रुपया गुम हो गया। बड़ा परेशान, 1 लाख रुपया किसी का पड़ा था। अच्छा उसी दिन उस आदमी का फ़ोन आता है कि उस्ताद जी मैंने आपका 5 लाख रुपया देना है, उसने 1 लाख रुपया भेज दिया। मैंने कहा ये तो हो गया, जो गुम हुआ था वो आ गया, बाकी अल्लाह भी दे देगा। उस आदमी की नीयत अदा करने की थी, 30 साल भी दे दिया उसने। अच्छा अगर हमें कुरान, हदीस, आखरत, आखरत की जवाबदेही का मेरे दिल में यकीन है, तो याद रखें अगर मैं कर्ज लूँगा तो अल्लाह मेरी तरफ से कर्ज अदा करेगा दुनिया में उसको, अगर मेरी नीयत है। नीयत तो ये मुमकिन नहीं है। अच्छा अभी जैसे आप फरमा रहे थे ना कुछ देर पहले, ब्रेक से पहले आपने जिक्र किया, तो मेरा सोशल सर्कल तो दीनी लोगों से ही है, आपकी तरह के जो दीन से वाबस्ता लोग हैं। ये भी मिसाल है जैसे आपने कहा कि एक तरफ तो वो रवैया है कि कर्ज लेके वापसी नहीं, दूसरी तरफ ये रवैया है। जी जी, वो भी दीन से वाबस्ता ही शख्स हैं जिनके बारे में आपने बताया। अच्छा इसमें ना बहुत सी चीज़ें हैं जी। कर्ज, अच्छा वो जो आदमी है ना वो बहुत सी चीज़ों को कर्ज समझता था। वो कहता मैं बेल्जियम में था, मैं इधर आ गया, वो बेल्जियम चला गया। कहता जी वहाँ हमारे ना बेल्जियम में एक पाकिस्तानी था, उसका बेटा दुबई में एक जाली केस में गिरफ्तार हो गया। वो आदमी उसको, मेरे दोस्त को कहे कि तुम भी दुबई में रहे हो, बेल्जियम में, दोनों बेल्जियम में रहते, यार को दुबई में कोई वास्ता ढूंढो, मेरा बच्चा निकला या के एक ही बच्चा मेरा, रिसोर्स इस्तेमाल करो, सारा दिन। अच्छा मुझे ना हाजी इकबाल था नाम उसका। अच्छा कहता हाजी इकबाल रोता रहता था सारा दिन, मेरा बच्चा गिरफ्तार हो गया, क्या बनेगा क्या बनेगा। अच्छा कहता कि एक रात 1:30 बजे मैं सोया हुआ था, मेरा दोस्त मुझे कहता है, फ़ोन की घंटी बजती है, मैं फ़ोन उठाता हूँ तो मुझे एक आदमी कहता है कि आपके इधर का हाजी इकबाल रहता है, उसको बताओ कि आज उसका बच्चे का फैसला हो गया, वो रिहा हो गया। अच्छा अच्छा, तो उसको मैंने अपने रूममेट को उठाया, उठो हाजी इकबाल को इतला देने, हाजी इकबाल दूर रहता था। अच्छा मेरे दोस्त कहने लगे कि बाहर देखो चार चार फुट बर्फ़ पड़ चुकी है, बर्फबारी हो रही है, कोई मर्ग की फौतगी की तरह नहीं है, ये खुशी की खबर है। बात दे दे। बाद में दे दे। कहते नहीं ये कर्ज है मेरे ऊपर, मैंने अभी पहचाना। अच्छा ये पैगाम भी कर्ज है मुझ पे। कहता ये मेरे ऊपर कर्ज है, मैंने देना है। कहता मैंने उनको उठा लिया वो गाड़ियाँ, तो कहते बर्फ तो साफ करती है, गाड़ी स्टार्ट की, अब वहाँ पहुँचे तो मेरे दोस्त मुझे पता क्या कहते हैं, कहते हम गाड़ी में बैठे रहेंगे, तुम उतरो उसके घर में बैल दो, रात 2 बजे वो 10 मिनट में उठेगा, फिर तुम इतनी देर बर्फ में खड़े रहना। हाँ, वो होश में आएगा, हमें टाइम लगेगा, वो नींद में होगा। खैर मैंने घंटी बजाई तो 30 सेकंड के बाद दरवाज़ा खुल गया, फौरी खुल गया दरवाज़ा। वो आज सब बाहर मुझे कह रहे खैर है खैर है, कहते अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ, बाहर बर्फ हो रही। मैं कहा खैर है खैर है। मैंने कहा हाजी साहब क्या बात है, आप सोए नहीं? क्या लगे? नहीं सोया नहीं। मैं सो तहज्जुद पढ़ के ना अपने बच्चे की रिहाई के लिए दुआ मांग रहा था, अल्लाह से गुफ्तगू हो रही थी। तो मैंने कहा जी आपकी तहज्जुद की दुआ कबूल हो गई है, अभी फ़ोन आया आपका बच्चा रिहा हो गया। कहते हाजी ने मुझे पकड़ लिया और मेरे माथे को चूमा, मुझे कहता उस्ताद जी उसके चूमने की मिठास मुझे अभी भी आ रही है। अल्लाह अकबर। अच्छा गाड़ी कर्ज दे देते हैं, कोई पैगाम कर्ज है, ये असल में एक अमानत समझ लें, इसको आप अमानत में ले। कितनी खूबसूरत इंस्पिरेशन है, ये सबक है यहाँ से कि ना सिर्फ माल आपके पास, किसी का कोई पैगाम है, वो कर्ज है मेरा, वो भी कर्ज है आप पे कि वो आप पहुँचा के आए जिसके लिए कर्ज है, मैंने उसको देना है। अगर मैं नहीं देता तो मैं ख्यालत कर रहा हूँ, मैं पैगाम ही नहीं पहुँचाया उसको। अच्छा अच्छा कर्ज में गाड़ी भी आती है, किसी को गाड़ी दी और मार के इधर उधर आया। अब हम, मेरे पास अगर गाड़ी है, मेरे दिल में आता है यार गाड़ी के ऊपर तो ज़कात भी नहीं है।
अब 30 लाख रुपया उसके ऊपर तो ज़कात है, 30 लाख की गाड़ी है इस पर ज़कात नहीं, नहीं है। अब क्या करूँ? वो हमारे उस्ताद बल्कि बाद उलमा का भी कहना है इस गाड़ी को गरीबों को कभी कभी इस्तेमाल के लिए दे दो ज़रूरत में, यह ज़कात निकल जाएगी तुम्हारी गाड़ी की। कोई गरीब आदमी है उसके बेटे की शादी है, उसको कहो कि तुम गाड़ी ना रेंट पे लो, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दूंगा, ये गाड़ी की ज़कात निकलेगी इंशाल्लाह। लेकिन ये चीज़ें बहुत आला और अरफा हैं। काश कि हमारे अंदर वो जज्बे, वो मोहब्बत और वो यकीन पैदा हो जाए जिस वक्त हमने अपने अल्लाह के पास जाना है। सुभान अल्लाह। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने चंद एक बातें ऐसे की, वो लगता है इस दुनिया की बातें ही नहीं है, वो तो लग ही नहीं रहा कि ये हमें, हम यहाँ पे सुनते भी हैं, लेकिन आप कहते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, ऐसा करके दिखाया गया है, आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं ये चीज़ें। मेरे एक ताज़ाद भाई हैं, वो कहते हैं कि मैं एक दिन उसको कहा कि आप ये काम, मैंने पूछा फैक्ट्री किधर, कहते मैं बंद कर दी, मैं क्यों, कहते मैं बूढ़ा हो गया, मैं क्या आपको किसने कहा बूढ़े हो गए, कहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कहते मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी जी आगे इशारा बंद है, मैं देख रहा हूँ, मैं फिर गुजर गया, उधर से एक आदमी देख रहा है कि इस आदमी ने इशारे की खिलाफवर्जी कर दी, मैंने जानबूझ के नहीं की, लेकिन मुझसे हो गए अपनी किसी सोच में वो चले गए, वो जानबूझ के उसने मेरी गाड़ी में मारी। बाहर आ गए, कराची का वाक्य, नज़र नहीं आ रहा तुम्हें इशारा बंद है, मैंने कहा यार बिल्कुल मेरी गलती है बिल्कुल, लेकिन अगर तुम मुझे बचाना चाहते तो बचा सकते थे। अगर मैं क्यों बचाऊं, हम जो तुम गलत आए हो, हम तेरे लिए ब्रेक लगाए। मैंने कहा यार लड़ने का फ़ायदा नहीं है, अब इस तरह करते हैं कि मैं तुम्हारी गाड़ी मरम्मत करवा देता हूँ, चलो। कहते मैं, उसके अंदर कोई औरतें बैठी थी मालिक, तो कहता है ये मेरी माल के साथ बैठी, मैं कहाँ लेके चलूँ, मैं कहा चलो इधर गैराज में चलते हैं, हम वर्कशॉप में गए, एक वर्कशॉप, मैं कहा तीन वर्कशॉप पूछेंगे, वो एक वर्कशॉप है कि दूसरे पे या तीसरे, 30,000 रुपये बना, ये पुरानी बात है मरम्मत का। तो मैंने उसको कहा इधर आओ, वो औरतें बाहर आ गई, मैंने उसको ना 5,000 रुपया दिया, मैंने कहा बाकी तुम्हें 25,000 दे दूँगा, मुझे अपना एड्रेस दे दो। कहता मुझे पता कोई नहीं, लोग वापस करते। मैंने ना गाड़ी से चेकबुक निकाली, मैंने उसको 25,000 का चेक दे दिया। कहता ये चेक कैश नहीं होगा, तुम फ्रॉड कर रहे हो। मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड भी उसको दे दिया, अल्लाह अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दे दिया, अपना लाइसेंस भी उसको दे दिया। मैंने कहा ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड ले लो, ये मेरा लाइसेंस ले लो, ये मेरी चेकबुक ले लो, ये चेक ले लो, ये पैसे ले लो। अंदर से एक औरत निकली, कहती है अपने ड्राइवर, वही ऐ बंदा तो इस दुनिया का लगता ही नहीं है। ओह यस, ये ऐसी मिसालें, ऐ बंदा तो इस दुनिया का लगता ही नहीं। उन्होंने 5,000 भी वापस करवा दिया, चेक भी वापस करवा दिया। कहते जाओ जी बाबू जी। ये मिसालें भी हैं, और दिल भी नहीं करता कि जी मैं रोकूं यहाँ पे, लेकिन सबक हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। समामा तारिक, आप तशरीफ लाए, आपके आने का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद रहे जनाब फजीलतुल शेख नजीबुल्लाह तारिक साहब। सर आप तशरीफ़ लाए, आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नहीं जी, इसके साथ ही नवीद निज़ामी और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।